आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में उपस्थित सभी आयोजकगण, सभी अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों, स्टूडेंट हेल्थ सोसाइटी ने कल सुबह कल आयोजित होगा कह रहे थे कि ये हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। मैंने कहा कि कैसा सोसाइटी है, उन्होंने बताया ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसमें सारे युवा शोर के जितने भी युवा हैं उन्होंने ये मिलकर एक सोसाइटी बनाया। शुरुआत किया ये काफ़ी अच्छा है। मैं चाहूँगा आप लोग अन्य अपने आस पास के जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ भी लोगों को, युवाओं को प्रेरणा देकर के हर एक ग्राम पंचायत में इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए जो सामाजिक कार्य कर सके। सरकार की संस्था, सरकार के विभाग तो सामाजिक काम करते ही, लेकिन जब उसमें आप जैसा युवा वर्ग जुड़ जाता है तो उसको काफ़ी गति मिल जाती है। ब्लड डोनेशन हमारे देश में समय पे खून नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग मर जाते हैं। तो देश में हमारे पास जितना मांग है खून का उसका 1/10 ही हम उसका पूर्ति कर पा रहे हैं। मतलब 10 में से 10 लोग में से हम एक लोगों एक व्यक्ति को ही खून उपलब्ध करा पा रहे हैं डोनेशन के द्वारा। 9 व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में जब वो भर्ती होते हैं किसी भी कारण से उनको खून की आवश्यकता होती है तो उनके पास खून नहीं, हॉस्पिटल के पास ब्लड बैंक के पास खून नहीं है। इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप से जो समाज में जो जागरूकता बढ़ेगी, हर लोग खून देंगे, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, हर वर्ग खून देंगे। खून देना जरूरी है और उसके साथ साथ अंग का दान करना भी जरूरी है। विकसित देशों में लोग अपना अंग दान करते हैं, मृत्यु के बाद अपना आँख दान कर दिया, कोई अपना रक्त दान कर दिया, कोई किडनी दान कर दिया। तो ये आँख मृत्यु के 1 घंटे के अंदर आँख आदमी को दान कर दे, मृत्यु के 1 घंटे तक उस आँख को ट्रांसप्लांट करके उसी अंधे को किया जा सकता है। ब्लड डोनेशन तो एक शुरुआत है लेकिन इससे भी आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी आपने खंडेलवाल जी के बारे में, खंडेलवाल जी के जो एक्सीडेंट हुआ था उनसे आपने इस ग्राम पंचायत के जितने भी युवा वर्ग हैं उन्होंने प्रेरणा लेकर के इस प्रकार का एक काफी महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट किया है। मैं चाहूँगा कि आपको जो सहयोग चाहिए चिकित्सा विभाग आपको पूरा उपलब्ध कराए और जो लोग स्वस्थ हैं वही खून देखिए।